नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। झारखंड में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। गांव में सरकार बनाने को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड में साल 2020 में ही पंचायत चुनाव कराना था, लेकिन तकनीकी कारणों से चुनाव नहीं हो सका। ऐसे में पहले से चले आ रहे प्रतिनिधियों को आगे विस्तार दे दिया गया है। हालांकि अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार ने पंचायत चुनाव कराने पर विचार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बहुत जल्द झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी। आपको यह भी बता दें कि इसी साल झारखंड में निकाय का भी चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पुराने मुखिया को अपने कार्य का पूरा हिसाब किताब देना होगा। अगर हिसाब किताब में किसी तरह की दिक्कत आती है तो फिर उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। यह नियम सिर्फ मुखिया पे ही नहीं, वहां के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सब पे लागू होगा। ऐसे में इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इन सभी बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। झारखंड पंचायत अधिनियम के तहत सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं। इसके तहत व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य या अयोग्य साबित हो सकता है। वर्तमान पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए अयोग्यता का निम्न मापदंड निर्धारित किया गया है। आइए उसे हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना होगा। उसके बाद जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, या तो वो उन्हें दिवालिया और पागल नहीं घोषित होना होगा। इसके बाद उनकी उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। जो किसी पंचायत के अधीन कोई लाभकारी पदधारक हो, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार, या फिर किसी सरकारी समिति, या फिर केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सेवारत हो, ये सब नहीं होना चाहिए। किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी होने के लिए मूलभूत योग्यताओं में से एक योग्यता यह है कि अभ्यर्थी का नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज हो। इसके साथ ही उनकी आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। किसी ग्राम पंचायत के सदस्य पद पर अभ्यर्थी के मामले में यह आवश्यक है कि वह ग्राम पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जहां कि वह चुनाव लड़ना चाहता है। इसके साथ ही उसके प्रस्तावक को भी उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए जहां वह ग्राम पंचायत के मुखिया का प्रश्न है। तो ऐसे में अभ्यर्थी और प्रस्तावक के संबंध ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसी भी ग्राम का मतदाता हो सकता है। इसी प्रकार ग्राम समिति यानी कि पंचायत समिति जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का भी मतदाता हो सकता है। उसके बाद है चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी किसी अयोग्यता से मुक्त होना चाहिए जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 19, 38 और 53 में वर्णित हो। इसके तहत उनको नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति मतदाता के रूप में किसी अयोग्यता से ग्रस्त है वह किसी अभ्यर्थी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकता है। जो पंचायत के साथ या उसकी ओर से की गई किसी संविधा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए 6 महीने की अवधि के लिए कारावास का जुर्माना भर चुका हो वो भी पंचायत चुनाव में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही उनको जब चुनाव मैदान में होंगे तब उन्हें किन किन चीज़ों की और भी जरूरत होगी। उसके साथ ही उन्हें आधार कार्ड की जरूरत होगी। आधार कार्ड में उन्हें जन्म तिथि के साथ बताना होगा। उसके साथ ही उस आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर, जो कि वर्तमान में जो उनके पास मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए। इसके साथ ही उनके पास अपना मतदान पहचान पत्र होना जरूरी है। इसके बाद मूल पर निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के वो रेसिडेंशियल निवासी हैं, उसका भी उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी, जो भी आपको देना होगा। आपको अपनी चल अचल संपत्ति का शपथ पत्र देना होगा। जब आप उम्मीदवारी के रूप में जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म जब फिल करेंगे उस समय आपको अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही आपको अपना पैन कार्ड का पूरा ब्यौरा बताना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी जमानत राशि, जो कि हर पंचायत में उसके हिसाब से बदलती रहती है, तो ऐसे में आपको जमानत राशि भी जो है वो बता देनी होगी। इसके साथ ही आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि 4 पन्ने का एक आय प्रमाण पत्र होता है, जिससे आप नॉर्मल आय प्रमाण पत्र नहीं होगा, इसमें 4 पन्ने का एक अलग आय प्रमाण पत्र होगा जिसे आप फिल करेंगे। इसके साथ ही आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा। तो झारखंड से और भी ऐसे ही पंचायत चुनाव के नए अपडेट के साथ हम आपसे एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।